Welcome to the Montessori Complex High School. My name is Ambar Asad and this is my presentation number 15. Okay student, this is our index. Today we are doing page number 21 and 22, adding like fraction and subtracting like fraction. Students, maintain the index properly. First of all, you have to know what is like fraction. A group of two or more fractions that have exactly same denominators are called like fractions. Okay student, this is your page number 21, adding like fractions. First of all, you have to know what is like fraction. Like fractions kya hote hain, ye aapko sabse pehle pata hona chahiye. Like fractions are those fractions which are having the same denominators. जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन. वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस थ्री अपॉन सिक्स. इन सबको आपने लाइक, दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस एंड यू हैव टू एड दीज फ्रैक्शंस. तो इसको हमें किस तरह करना है, इन फ्रैक्शंस जो लाइक फ्रैक्शंस हैं, इन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर्स जो है वो ऐड नहीं होते, दे आर सेम, तो उनको हम एज इट इज़ लिख देते हैं. सबसे पहले हमने बीच की फ्रैक्शन लाइन को बनाना है. सिक्स हमने ऐसे ही लिख देना है. फिर हम ऐड करेंगे ये न्यूमरेटर्स को. वन प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू टू. ये दोनों को मिला के कितना बनता है, टू. टू प्लस थ्री दैट इज फाइव. Write 5 over there. This is your answer. It's a very simple questions. In this, sirf simple aapko add karna hai. Only numerators are add. Denominators jo hai wo as it is rahenge. Now let's move to the second question. 5 upon 9 plus 7 upon 9. अब इसमें डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम एज इट इज आ जाएंगे, नाइन. नाउ ऐड फाइव प्लस सेवन. फाइव इज इन योर माइंड, काउंट आफ्टर फाइव. सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व. राइट ट्वेल्व ओवर देयर. दिस इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, आई पिक द क्वेश्चंस रैंडमली. मैं बीच में से स्किप करूँगी और कुछ क्वेश्चंस करूँगी. ओके, आई डू दिस क्वेश्चन. टू अपॉन सेवन प्लस थ्री अपॉन सेवन. सेवन इज इन द डिनोमिनेटर. सेवन डिनोमिनेटर्स में तो सेवन एज इट इज आ जाएगा. एंड ऐड टू प्लस थ्री. टू इज इन योर माइंड, काउंट आफ्टर दिस टू. थ्री फोर फाइव. Write 5 over there. This is your answer. Okay, now let's move further. This is your question. 5 upon 10. 5 upon 10 plus 2 upon 10 plus 3 upon 10. स्टूडेंट, जब आपके डिनोमिनेटर्स में सेम डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको पता होना चाहिए कि दिस फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस. ओके, नाउ ऐड दिस फ्रैक्शन. जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो हम सिंपल ऐड कर देते हैं. राइट टेन ओवर देयर. नाउ ऐड फाइव प्लस टू. फाइव इज इन योर माइंड, काउंट आफ्टर फाइव. सिक्स सेवन. नाउ दिस इज सेवन. सेवन इज इन योर माइंड, काउंट आफ्टर दिस सेवन. एट नाइन एंड टेन. राइट टेन ओवर देयर. दिस इज योर आंसर. स्टूडेंट, दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चंस. आई होप आप ये क्वेश्चंस बहुत आराम से कर लेंगे. ओके स्टूडेंट, दिस इज योर पेज नंबर 22, सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर्स वही रहते हैं, सिर्फ आपको न्यूमरेटर्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है.
ओके नाउ लेट्स स्टार्ट. 7/10 माइनस 5/10. ओके दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस. सो 10 जो है डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा. 7 माइनस 5 किस तरह करेंगे? काउंट आफ्टर द स्मॉलेस्ट नंबर, इसके बाद से काउंट करेंगे. 5 के बाद से काउंट करिए. 6 7 2 दिस इज योर आंसर. ओके नाउ आई स्किप क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस. हम फोर्थ वाला करते हैं. 4/5 माइनस 1/5 दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस. तो इसमें डिनोमिनेटर्स यही रहेगा 5. नाउ 4 माइनस 1 दैट इज 3. दिस इज योर आंसर. नाउ मूव फर्दर. 11/12 माइनस 7/12 दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस. तो 12 डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा. काउंट आफ्टर द स्मॉलेस्ट नंबर, जो इन दोनों में छोटा है उसके बाद से काउंट करिए. 7 के बाद से काउंट करेंगे. 8 9 10 11 8 9 10 11 4 राइट 4 ओवर देयर. दिस इज योर आंसर. ओके यहाँ से करते हैं क्वेश्चंस. 12/13 माइनस 6/13 दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस. तो आपने 13 को एज इट इज लिख देना है. अब काउंट आफ्टर द स्मॉलेस्ट नंबर, इन दोनों में जो छोटा है उसके बाद से काउंट करें. 7 8 9 10 11 12 6 राइट 6 ओवर देयर. दिस इज योर आंसर. स्टूडेंट दिस इज इट फॉर टुडे. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर पेज नंबर 22 सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शन. इट इज़ अ वेरी ईजी क्वेश्चन एंड आई होप यू ऑल डन इट वेरी वेल. Your homework is do page number 21 and 22 properly in your maths workbook with pencil neatly. Learn tables also. Thank you so much. We will meet inshallah in the next presentation, that is presentation number 16.